तो सुनिए, अशोक जो पहले एक बड़े योद्धा थे, वो कैसे शांति के दूत बने, ये जानना बहुत जरूरी है। अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट एक बहुत ही खतरनाक योद्धा थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 100,000 सैनिकों की मौत और अनगिनत विधवाओं और अनाथों की पीड़ा देखकर अशोक बुरी तरह हिल गए। इस दुखद घटना ने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने और हिंसा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। उन्होंने ऐसे शिलालेख बनवाए जो अहिंसा, नैतिकता, करुणा, न्याय और धार्मिक कोएग्जिस्टेंस की बात करते थे। उन्होंने अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और सड़कें बनवाईं, जिससे लोगों की जिंदगी में काफी सुधार आया। अशोक के इस ट्रांसफॉर्मेशन ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने बौद्ध धर्म के प्रसार और शांति के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया। एक विजेता से एक दयालु शासक तक अशोक की कहानी एक शक्तिशाली उदाहरण है कि बेहतर के लिए बदलने में कभी देर नहीं होती। जिज्ञासु बने रहें, सीखते रहें और याद रखें, इतिहास ऐसे सबक से भरा है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सो